नमस्कार, तेज हरियाणा से भूपिंदर पन्नू। सिरसा जिला के ग्रामीण क्रिकेट प्रतियोगिता का दूसरा दिन है। आपको याद होगा बीजेपी पार्टी की ओर से नशों के खिलाफ जंग का ऐलान करते हुए सिरसा के 208 गांव की टीमों के मध्य एक बड़ा लाखों रुपए के प्राइस का टूर्नामेंट खेला जा रहा है। इस वक्त मैं माधो सिघाना में हूँ, जहाँ पर माधो सिघाना के शानदार स्टेडियम के अंदर आज इस टूर्नामेंट का 9वां दिन है, जहाँ पर विकास नशे का जनता पार्टी की ओर से बात जननायक चौधरी देवीलाल एक ग्रामीण क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज हुआ। 3 जनवरी को इसकी शुरुआत गांव रिसालिया खेड़ा से हुई थी और चारों ही मैदानों में लगातार पिछले 9 दिनों से 52 गांव की टीमों के मध्य ये यहां पर मुकाबले खेले जा रहे हैं, जिसमें खारिया की बात करें एक मैच जो कि अहमदाबाद और चक्रा के बीच में खेला जा रहा है। लगातार हर मैदान में जाकर दिग्विजय सिंह चौटाला खुद प्रधान महासचिव जेजेपी पार्टी के जाकर खिलाड़ियों का हौसला अफजाई कर रहे हैं, उन्हें खेलों की तरफ प्रेरित कर रहे हैं। बीजेपी पार्टी का हर मैदान में लगातार बने हुए हैं। शानदार व्यवस्थाओं के बीच में ग्रामीण तबके का ऐसा पहली मरतबा टूर्नामेंट हुआ है, जो एक रणजी नेशनल करने का मौका दे रहा है। और आप तस्वीरें देख पा रहे हैं किस तरीके से हजारों लोगों दर्शकों की भीड़ में ये टूर्नामेंट अपने आप में ऐतिहासिक गवाह इसका हो रहा है। किस तरीके से नशे के खिलाफ युवा पीढ़ी को खड़ा करने में बीजेपी पार्टी और दिग्विजय सिंह फरवरी माह में कबड्डी के 2 या 3 दिवसीय एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुकाबले करवाए जाने की घोषणा भी की गई है। तो यानी कि एथलेटिक्स की तरफ भी उनका ध्यान दूसरी गेमों की तरफ भी जा रहा है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से लगातार पूरा दिन खिलाड़ियों लोगों के बीच में बैठ कर दिग्विजय सिंह चौटाला लगातार खिलाड़ियों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। और जहां पर 3 लाख पहला प्रथम टीम को इनाम है, दूसरा 2 लाख रुपए और तीसरा चौथा 51,000 रुपए मैन ऑफ द टूर्नामेंट इसमें भूल पाई थी। और वहीं पर देखिए तो चौटाला ऐतिहासिक गांव राजनीति की नर्सरी चौटाला गांव के स्टेडियम में फाइनल मुकाबला खेला जाएगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला उसके मुख्य मेहमान के तौर पर शामिल होंगे। और वहां पर क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और जो फाइनल मुकाबला होगा लाखों रुपए के प्राइज का सिरसा के इतिहास का एक ऐसा सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, जिसपे थीम जिसकी नशों के जी आईडी ऊपर हमारे माधो सिंघाना गांव के अंदर जननायक चौधरी देवीलाल ग्रामीण क्रिकेट टूर्नामेंट का प्री क्वार्टर फाइनल स्टेज मैचेस चल रहे हैं। मैं बधाई देना चाहूँगा गांव के आयोजकों को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को, गांव के सरपंच साहिबान को, पूरी पंचायत को, 36 बिरादरी को, सारे समस्त गांव को, जिन्होंने एक मेले के रूप में इतना भव्य आयोजन इस टूर्नामेंट का अपने गांव में कराया। मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि जो मिशन इसके पीछे है, श्री देवीलाल जी की सोच, मेरा सिरसा उन्नत सिरसा, मेरा हरियाणा खेलों में आगे बढ़े, उस सपने को पूरा करने के लिए धीरे धीरे एक एक कदम हमारा क्षेत्र आगे ले रहा है। और उसी के अंदर उस बड़े प्रयास में ये भी एक आहुति है उस हवन यज्ञ में, नशे के खिलाफ नौजवान युवा पीढ़ी जो है उसको जागृत किया जाए, दिशाहीन युवाओं को एक दिशा दी जाए। तो मैं फिर से बधाई देता हूँ और इस तरह के और कार्य आगे भी चलते रहें। जो जिम्मेवारी हमारी सामाजिक बनती है राजनीतिक से अलहदा, उसको भी हम निभाते रहें। तो ये एक अच्छी शुरुआत सिरसा में हुई है और इससे मैं मानता हूँ कि पूरे हरियाणा को और सीखने को मिलेगा और जागृति आएगी और नौजवानों को अच्छे अवसर मिलेंगे, अच्छे इनाम मिलेंगे और नशे से दूर खेलों में वो अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। दिग्विजय, अगर बात करें कितने युवा जुड़े हैं और कहीं ना कहीं 2024 को लेकर 208 टीमें इस टूर्नामेंट में थी और उसके साथ मैं देखूं तो लगभग 20-20 साथियों की लिस्ट हमें एक एक गांव से मिली,
4000 से ज़्यादा साथियों की लिस्ट हमने जिला की कंपाइल की। 4000 परिवारों को, क्योंकि पीछे मैं उनको अकेला नहीं मानता, हर घर में 5-5, 6-6 लोग हैं, उस हिसाब से देखा जाए इस टूर्नामेंट का इम्पैक्ट जो है वो 30-40 हज़ार लोगों पर है। और अगर इतना बड़ा इम्पैक्ट एक छोटे से प्रयास से हो रहा है, पूरा जिला अगर मिलजुल करके इस तरह के और प्रयास करेगा तो जो हमारा बड़ा लक्ष्य है उसको हम हासिल कर लेंगे, नशे से मुक्त सिरसा हम बनाने में कामयाब। इस टूर्नामेंट का इम्पैक्ट जो है वो 30-40 हज़ार लोगों पर है। और अगर इतना बड़ा इम्पैक्ट एक छोटे से प्रयास से हो रहा है, पूरा जिला अगर मिलजुल करके इस तरह के और प्रयास करेगा तो जो हमारा बड़ा लक्ष्य है उसको हम हासिल कर लेंगे, नशे से मुक्त सिरसा हम बनाने में कामयाब। क्रिकेट के अलावा दूसरे खेल भी हम अगले महीने कबड्डी की 2 दिवसीय हरियाणा की सबसे बड़ी प्रतियोगिता सिरसा के अंदर ही कराएंगे। सिरसा के युवाओं ने हमारे छोटे प्रयास को जो है एक दिशा दी है और हमारा हौसला बढ़ाया है। अब मेरी सोच ये है कि और अन्य खेलों को भी इस माध्यम से जोड़ा जाए, महिलाओं से जुड़े हुए भी कुछ खेल जो है वो चाहे मटका रेस हो चाहे और हो, वो भी हम अगले उसमें सम्मिलित कर करके बड़ा आयोजन फरवरी के माह में वो 2-3 दिवसीय कार्यक्रम सिरसा जिले के अंदर करवाएंगे। जिला स्तर पर या प्रदेश स्तर पर? अभी जिला स्तर पर, और जिला स्तर पर अगर वो कामयाब होगा तो अगले वर्ष उसको प्रदेश स्तर पर लेकर के जाएंगे। इस क्रिकेट टूर्नामेंट को भी अगले वर्ष प्रदेश स्तर पर लेकर, तो कहने के माना जाए कि जेजेपी 2024 के विधानसभा चुनाव, जेजेपी का रिश्ता जिला सिरसा से राजनीतिक नहीं है, पारिवारिक है। चौधरी देवीलाल जी के परिवार का रिश्ता पारिवारिक है इस क्षेत्र से, और हम अपनी पारिवारिक जिम्मेवारी समय समय पर निभाते आए हैं। राजनीति तो चुनाव होते हैं, चुनाव लड़े जाते हैं, वो अलग बात है, मगर यहाँ के लोगों से, यहाँ पर भी, इस मंच पर भी, इस भीड़ में भी हर पार्टी के लोग हैं, हर समाज के, हर तबके के लोग हैं, सभी लोग 36 बिरादरी मिलकर के एक अच्छा काम कर रहे हैं और उसकी सराहना सब। फाइनल में बड़े क्रिकेटर भी आएंगे? गौतम गंभीर जी का जो प्रोग्राम है वो कंफर्म हो चुका है, 14 तारीख को मुख्य अतिथि के तौर पर। देश के सलामी बल्लेबाज रहे, दुनिया में बड़ा क्रिकेट के सितारा रहे गौतम गंभीर जी, दिल्ली से आएंगे और उनके साथ साथ प्रवीण कुमार जी से और लोगों से बातचीत चल रही है, वो भी शामिल होंगे। और 15 के दिन जो है वीरेंद्र सहवाग जी से और युवराज सिंह जी से बातचीत हमारी चल रही है। प्रोग्राम क्योंकि सबके इंटरनेशनल टूर्स होते हैं, उस हिसाब से जैसे जैसे कन्फर्म होते जाएंगे हम उनका वो पोस्टर रिलीज करेंगे और सबको निमंत्रण देंगे। पूरे जिला सिरसा के गणमान्य लोगों को हमारी कार्यकारिणी की टीम जो है वो इंडिविजुअल। बहुत अच्छा टूर्नामेंट कराया जा रहा है, युवाओं के अंदर बहुत ज़्यादा जोश है जी। ये हमारे गांव में आज इसका 8वां दिन है टूर्नामेंट का, तो बहुत अच्छा आयोजन कराया है दिग्विजय जी ने, युवाओं की तरफ बहुत ध्यान दिया इन्होंने। युवा जो नशे के अंदर जा चुके हैं उनको एक प्रेरित करने के लिए बहुत अच्छा आयोजन है, बहुत बड़े बड़े इनाम रखे गए हैं। और हमारी गांव की दोनों टीमें आज पूल क्लियर करके आज 8वें दिन के इस खेल के अंदर आई थी, तो बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है माधव सिंघाणा के खिलाड़ियों ने, तो सभी का यहाँ पहुँचने पर गांव की तरफ से धन्यवाद, बहुत बहुत आपका, मीडिया साथियों का भी धन्यवाद।